नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की। राजस्थान के तीन बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दूसरे चरण के नगर निगम चुनाव के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जहां जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए 310 वार्डों के लिए वोट डाले गए। जयपुर ग्रेटर निगम चुनाव क्षेत्र में 686, कोटा दक्षिण से 289 और जोधपुर दक्षिण से 296 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। दरअसल तीनों नगर निगमों की कुल 310 सीटों के लिए 1200 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, तो वहीं अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3 नवंबर को होगा। तो नगर निगम चुनाव आज दूसरा चरण जिसका संपन्न हुआ है, क्या कुछ अपडेट रहा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मेरे संवाददाता जयपुर से रहमतुल्ला खान जुड़े हुए हैं। रहमतुल्ला खान, आज नगर निगम चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है, क्या कुछ अपडेट है, कितने फीसदी मतदान हुआ, कहाँ कहाँ प्रक्रिया चली चुनावों की और किस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई? देखिए भानु, आज नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का यानी पूरे सभी दूसरे चरण का जो है मतदान है वो पूरा हो चुका है। जो उम्मीदवार थे उनके जो भाग्य है वो ईवीएम में बंद हो गई है। 3 बजे की अगर अपडेट बताएं तो 45% के करीब जो है जयपुर में मतदान हुआ है और 50% के करीब जोधपुर में और 51% के करीब कोटा में मतदान हुआ है। यानी कि अभी 5:30 बजे तक का जो प्रतिशत है, मत प्रतिशत, वो अभी आना बाकी है, कुछ ही देर में अपडेट होगा। और अभी वोटिंग कहीं जगह कुछ जगह पे चल रही है वोटिंग, क्योंकि वक्त होता है 5:30 बजे तक का और उसके बाद में जो भी वहाँ बूथ केंद्र पर जो मतदाता पहुँचते हैं उनकी वोटिंग करवाना अनिवार्य होती है। तो जितना भी टाइम होता है वो छिटपुट प्रदेश जो भी है, तीन कोटा, जोधपुर, जयपुर में कुछ जगहों पर मतदाता मतदान धीरे से हो रहा है, बाकी जगह सब जगह ईवीएम जो मशीनें पैक हो गई है, कुछ जगह मशीनें पैक होकर के जो सिक्योरिटी जहाँ स्थल है वहाँ पहुँचाई जा रही है सिक्योरिटी की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। और वहीं छिटपुट घटनाओं को लेकर के सब जगह मतदान शांतिपूर्वक तरीके जो है संपन्न हुआ है। अब बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी ईवीएम में किस्मत है वो बंद हो गई है। 3 तारीख को जो है ये जो है रिजल्ट सामने आएगा, नतीजे सामने आएंगे और 3 तारीख को ही मालूम चल पाएगा कौन कहाँ से जीत पाया है। फिलहाल जिस प्रकार प्रथम चरण जो 29 तारीख को प्रथम चरण के मतदान हुए और ये दूसरे द्वितीय चरण आज जो मतदान हुए सारे संपन्न हो जाए, पुलिस की पुख्ता प्रबंध चाक चौबंद जो है सुरक्षा के साथ ही ये ईवीएम मशीन है वो सुरक्षा स्थल तक जो है पहुंचाई जा रही है। 3 नवंबर को जो है परिणाम रहमत आपके साथ दो सहयोगी और हैं, मैं चाहता हूं उनसे भी पूरा अपडेट लें क्योंकि वो भी अलग अलग फील्ड में थे, अलग अलग ग्राउंड में जाकर उन्होंने कवरेज किया है, तो उनसे भी पूरा अपडेट लिया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी है रमेश पुरोहित जी और लखवीर सिंह। हम रमेश पुरोहित से बात करना चाहेंगे। रमेश जी, कोटा, जोधपुर और जयपुर 3 जगह मतदान हुए हैं प्रथम चरण द्वितीय चरण में, क्या लगा राजनीति एंगल से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जाए या ऊपर नीचे माने जाए? जहां तक इन 3 जगहों पे जो चुनाव हुए हैं नगर निगम के, वहां पर अगर जोधपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो जयपुर और कोटा बीजेपी का गढ़ रहा है और शुरू से ही यहां बीजेपी प्रभावशाली रही है, चूँकि सरकार जो है गहलोत की है, कांग्रेस सरकार है, लिहाजा इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये जो चुनाव है नगर निगम के तीनों स्थानों पर, जोधपुर को अगर अपवाद स्वरूप यूँ छोड़ दिया जाए कि वो अशोक गहलोत का जो है वो गृह नगर भी है और गृह जिले भी है, तो जोधपुर की अगर आप कांग्रेस की अगर बोर्ड बनने की संभावना को अगर व्यक्त करें तो जयपुर और कोटा के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर करके सामने आ सकती है। दूसरा यह है कि कड़ी से कड़ी जोड़ दे की जो बात कांग्रेस हमेशा से कहती आई है और राज्य में भी उसकी सरकार है, तो लिहाजा एक एडवांटेज जो मिलता है वह कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन जयपुर और कोटा में जो बीजेपी की जो नगर निगम
पहले भी रहे हैं और प्रभावशाली रही है इन दो शहरों में। लिहाजा अगर बीजेपी यहाँ पे लूज करती है, खास करके जयपुर और दूसरा कोटा में, तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और अगर वहाँ पर कांग्रेस अगर जीत के आती है अपने कोटा और जयपुर में अपना बोर्ड बनाती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी है उसके लिए खतरे की घंटी होगी। और कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि वह राज्य में जो है सरकार बनाए, खुद की चला रही है, गहलोत सरकार है, तो उसका एक एडवांटेज उसको मिल सकता है। लेकिन ये जो तीन जगहों पर जो चुनाव है, तीन शहरों में जो चुनाव है, खास करके कांग्रेस के लिए वो एक एडवांटेज यूँ लेकर के आया कि तीनों ही जगहों पर दो दो नगर निगम बनाए गए हैं। तो यह कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक उसने जो पिछली बार जब वो सरकार में रही तब भी उसने एक ये प्रयोग किया था कि मेयर के जो चुनाव है वो सीधे करवाए थे, लेकिन इस बार कुछ संशोधनों के साथ में ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी की अगर दृष्टि से देखें तो दोनों के लिए चुनौती भरा रहेगा। हमारे साथ लखवीर मौजूद है। लखवीर, आपने जहाँ पर चुनाव आज मतगणना जहाँ भी हुई, जहाँ आपने कवर किया, कई जगह सुरक्षा व्यवस्थाएं और चाक चौबंद हुई और कोरोना के भी गाइडलाइन का जो है पालना की गई। देखिए रहमत, कोरोना के गाइडलाइंस, कोरोना के संक्रमण काल के मद्देनज़र बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग और प्रशासन के सामने थी चुनाव करवाने की। ऐसे में देखने वाली बात यह भी थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में चुनाव करवाया जा सकेगा। लेकिन वाकई में सराहनीय पहल रही है और सराहनीय कदम था प्रशासन का भी, पुलिस का भी और निर्वाचन आयोग का भी। जिस प्रकार से चुनाव करवाया गया वो वाकई में सराहनीय था, क्योंकि जिस प्रकार से हेरिटेज का जो चुनाव हुआ था तो मतदाता घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज ग्रेटर के चुनाव में मतदाता अपने घरों से निकले भी हैं। मतदान प्रतिशत भी तुलनात्मक अगर देखा जाए तो ग्रेटर के, हेरिटेज के मुकाबले ग्रेटर का वाकई में अच्छा आने वाला है। हालांकि फाइनल अपडेट अभी तक आई नहीं है, फाइनल अपडेट आते ही हम दर्शकों को बताएंगे कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक थी। कोई छिटपुट घटना को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे मतदान के दिन कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली है। हालांकि कई फर्जी वोटिंग की कई जगह तस्वीरें देखने को मिली थी। इसके साथ ही पुलिस के जो बंदोबस्त थे वो वाकई सराहनीय थे, और जिस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट किया गया निर्वाचन आयोग ने वो सराहनीय था, क्योंकि प्रत्याशियों के पास समय काफ़ी कम था रहमत। प्रत्याशियों ने तैयारियाँ बहुत लंबे समय से कर रखी थी, लेकिन समय बहुत कम मिल पाया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जान झोंक रखी थी और आज मतदान हो गया। कल का दिन बीच में है, ऐसे में 3 नवंबर को सभी की सांसें टिक गई है, क्योंकि सभी की सांसें अटक भी गई है 3 नवंबर को। आखिरकार बीजेपी बाड़ेबंदी की संभावना जताई, बीडी बाड़ेबंदी हो सकती है। देखिए हेरिटेज की तो बाड़ेबंदी हो भी गई है, हमने न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाई थी, अपडेट भी दी थी कि अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में हेरिटेज के तमाम पार्षद प्रत्याशियों को रखा गया है, वहां पर उनका प्रशिक्षण शिविर जारी है। अगर कल की बात की जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रेटर के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी भी कर देगी। बिल्कुल, जिस तरीके से भानु जो बाड़ेबंदी की, यानी जो भी चुनाव होते हैं, विधायक विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कैंडिडेट जो जीतने की संभावना रहती है उनकी जो बाड़ेबंदी होती है वो बीजेपी की हो चुकी है, हेरिटेज की, ग्रेटर के होने की संभावना। कांग्रेस की अगर बात करें तो हमने जिस प्रकार से अंदर खाने से मालूम किया, तो फिलहाल इनकी संभावना नहीं जताई जा रही कि बाड़ेबंदी होगी या नहीं होगी, ऐसी कोई संभावना नहीं जताई जा रही। क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाजरिया जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष है, महेश जोशी, इनसे तमाम जो अभी तक इनका कोई बयान सामने नहीं आया, अभी तक कोई संभावना हलचल नहीं हुई है। हमारे प्रयोज जी, हमारे सहयोगी रमेश प्रयोज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, पंचायत राज जो चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, कहा जाता है कि छोटे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत होता है, लेकिन शहरों में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि माना जा रहा था कि मत प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा, कोरोना के चलते भी इसमें असर पड़ा है, कोरोना का भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बार जो है कोरोना की महामारी के कारण से निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मतदान हो। और दूसरा, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकल सिनेरियो में जो बाड़ेबंदी की जो बात उभर करके सामने आ रही है, यह लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान तो दिखाई देती ही देता है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह हो रही है कि निकाय चुनाव के संदर्भ में अगर ये पार्षदों की अगर बाड़ेबंदी होती है तो निश्चित रूप से ये मान करके चलना चाहिए कि दोनों पार्टियों में अपने कार्यकर्ताओं पर कोई किसी भी तरह का भरोसा नहीं है। दूसरा यह कि अगर भरोसा भी है तो आज की तारीख में या जिस तरह का जो माहौल पॉलिटिकल सिनेरियो में बनता जा रहा है, उनको भी यह भरोसा नहीं है कि कौन सी पार्टी कब
जो पासा पलट दे, जैसा कि जयपुर नगर निगम में हुआ था जब जो है कुछ बीजेपी पार्षदों ने पाला बदल करके कांग्रेस समर्थित विष्णु लाटा को जो है मेयर बनाया था, तो उस घटना ने जो है बीजेपी को एक तरह से डर पैदा कर दिया हो, या फिर भी बीजेपी सब कुछ जो है अपने भली भांति जिस एक तरीके से काम करती है उसमें यह संभावना अब जताई जाने लगी है कि वो पार्टी भी इस तरह से कार्यकर्ताओं पे भरोसा रख करके किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती, लिहाजा अगर बाड़ेबंदी अगर हो रही है, प्रशिक्षण के नाम पर भी अगर हो रही है, तो इसे कतई उचित नहीं माना जा सकता। यानी कि बीजेपी की जो बाड़ाबंदी हेरिटेज हो गई और ग्रेटर की होना बाकी, ऐसी संभावना जताई जा रही, कांग्रेस की फिलहाल ऐसी कोई चर्चा में नहीं है। बाड़ाबंदी होना, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कहीं टूटने का डर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का यही कहना है कि कोई डर नहीं है, लेकिन अपने घर को सुरक्षित रखा जाए, इस वजह से ही बाड़ाबंदी की जा रही है। हालांकि सवाल वाकई खड़ा होता है कि अभी परिणाम ही नहीं आए हैं, ऐसे में क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को कि वो बाड़ेबंदी कर रही है, चाहे वो प्रशिक्षण शिविर के नाम पे हो। पिछला बोर्ड था वो भी टूट गया था, कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया था। ये बड़ा सवाल है, और इसी वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर के नाम से जो बाड़ेबंदी करने जा रही है वो इसी वजह से कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये असमंजस की स्थिति भी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ग्रेटर में आश्वस्त है कि हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन हेरिटेज को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में, इसी वजह से आज हेरिटेज में बाड़ेबंदी कर दी गई है। ग्रेटर के लिए हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट आ रहा है वो यही आ रहा है कि कल दोपहर 2 बजे बाद जयपुर ग्रेटर की भी बाड़ेबंदी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि मत प्रतिशत की भानु अगर बात करें, मत प्रतिशत जयपुर में सबसे कम रहा है। हेरिटेज की बात करें तो अभी 3:30 जो 3 बजे तक की अपडेट है उसमें भी मत प्रतिशत जयपुर का कम रहा है। प्रयोग जी, जयपुर का जो मत प्रतिशत कम रहा है जयपुर जोधपुर और कोटा के मुकाबले, तो ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर में कहा जाता है क्यों ज़्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो वोट कम करते हैं, पोस्ट इलाके होते हैं वहाँ पर वोट प्रतिशत कम होता है, मध्यम वर्गीय लोग हैं वो वोट ज़्यादा करते हैं। इस बार का जो एक परसेंटेज कम होने है वास्तव में एक चिंताजनक है, लेकिन इसके कई फैक्टर्स उभर करके सामने आते हैं। सबसे बड़ा अगर सवाल अगर लोगों के सामने है तो वो सेहत को लेकर के, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये जो है वोटिंग हो रही है, तो लिहाजा हो सकता है कि वो लोग जो कि स्वास्थ्य कारणों से जो है मतदान केंद्र तक नहीं जा पाए हों, दूसरा कि जो चिंता की जो बात होती है वह होती है कि 60 साल के ऊपर वाले जो मतदाता है वो भी इससे बचे होंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या होती है जो है उम्र के लिहाज से अभी अगर देखा जाए, तो इस बार जो मतदान प्रतिशत है निश्चित रूप से चिंताजनक जरूर है। भानु, जिस प्रकार से इस बार जो नगर निगम चुनाव में जो मुद्दा रहा है, ज़्यादातर मुद्दा जो है पानी का, सड़क का, बिजली का, जो अमूमन मुद्दा रहा सफाई का, सीवरेज का, ये शहरों में अमूमन जो मुद्दा रहता है, इसी मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टियों ने अपना चुनाव लड़ने की बात कही, दोनों ने घोषणा पत्र अपने संकल्प पत्र पर जारी किए हैं, तो इन मुद्दों को लेकर के हम रमेश पुरोहित हमारे सहयोगी से बातचीत करेंगे। ये मुद्दे अहम रहते हैं शहरों में लगभग, हालांकि गाँव में पानी बिजली की समस्या रहती है, शहरों में सीवरेज की सफाई की ये जो समस्या है, ये मुद्दा अहम रहा इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जो स्थानीय सरकार का सबसे बड़ा जो पहला जो दायित्व होता है वो कि अपने वार्ड का, क्योंकि ये वार्ड के चुनाव है, तो लिहाजा जो पार्षद चुन के जाता है उसका भी यही प्रयास रहता है कि वह जहाँ से वो चुन के आया, क्योंकि छोटी जगह होती है, छोटे जगहों में जो है क्या कहना चाहिए उसको, सुविधाएँ ज़्यादा जल्दी उपलब्ध हो, लिहाजा बिजली का तो खैर नहीं, लेकिन हाँ सड़क सबसे ज़्यादा होती है, अतिक्रमण होता है, यातायात की जो दिक्कतें होती है, अमूमन देखा जाता है कि शहरों में बढ़ते जो वाहनों की संख्या है उसके कारण से यातायात की समस्या ज़्यादा मिलती है आपको, दूसरा अतिक्रमण जो है उससे भी लोगों को परेशानी होती है, तीसरा कि सड़कें अगर टूटी फूटी अगर रहती है तो स्वास्थ्य का भी उसके ऊपर असर पड़ता है, लिहाजा सड़क, यातायात और बिजली और पानी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को मतदान करने से पहले सोचना पड़ता है, लिहाजा, और दूसरा ये कि मतदाताओं की भी ये सोच रहती है कि जितना जल्दी हो सके उनकी समस्याओं का निदान हो, तो इन सभी कारणों से अगर देखा जाए तो मतदाता जो मतदान करते हैं तो ये सारे विषय उसके सामने रहते हैं। और भानु, दूसरी बात, इस बार एक मुद्दा अगर बात करें तो झोटवाड़ा साइड की, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर वैशाली नगर में और शहर में कई जगह जो पिछली बोर्ड बीजेपी का बोर्ड था उस वक्त जो बड़े सर्किल थे वो टूटे हुए थे, वैशाली नगर में ये मुद्दा कई वार्डों में
जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने उठाया कि भाजपा के जो भाजपा जो शहर की सरकार थी यानी कि भाजपा के बोर्ड था तब ये सर्किल तोड़ दिए थे और रौनक वो खत्म हो गई थी और इसमें आजकल जो ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये मुद्दा रहमतुल्ला जो जनता देखना होगा कि जो आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो चुका है, अब रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रहमतुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।